नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी। गाइस, अगर आप 20,000 रुपए के बजट के अंदर एक ज्यादा रैम एंड स्टोरेज वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बेस्ट 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो आप खरीद सकते हो सिर्फ 20,000 रुपए के बजट के अंदर, जिनमें आपको ज्यादा रैम के साथ साथ और भी बड़े बड़े फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आपको 15,000 रुपए के बजट के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांच नंबर पर है वीवो Y50 और यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 16 जून 2020 को। और दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसके साथ साथ इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है अपटू 256GB। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया 6.53 इंच का फुल एच डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले 5 होल डिजाइन के साथ, और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665। तो दोस्तों, एक अच्छी प्रोसेसर है। और कैमरे में इसमें आपको पीछे की तरफ 13+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और सामने की तरफ मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा। और स्मार्टफोन में आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है फनटच OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। इसमें आपको बैटरी मिलता है 5000mAh का, जिसमें आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बाकी और भी सेंसर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको डुअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका प्राइस है 16,990 रुपए। इसके बाद 4 नंबर पर है Realme 6 Pro, जो लॉन्च हुआ था 13 मार्च 2020 को। इसमें भी आपको 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और इसका एक्सटर्नल मेमोरी है अपटू 256GB। इसके बाकी फीचर्स में इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 5 होल डिजाइन के साथ, इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ कोनी गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके बाद इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है Realme UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। इसके बाद आते हैं कैमरे की तरफ, तो इसमें आपको 64+8+12+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की तरफ, और सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा। और स्मार्टफोन से भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। इसमें आपको 4300mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 30W फ्लैश चार्जिंग भी मिलता है। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और भी बाकी सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको डुअल सिम, 4G, वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ बाकी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और स्मार्टफोन का प्राइस है 19,999 रुपए। दोस्तों, 3 नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M31, जो लॉन्च हुआ था 29 मई 2020 को। और दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको काफी पावरफुल बैटरी के साथ एक अच्छा कैमरा भी दिया गया है। इसके बाद बात करें इसके दूसरे फीचर्स की, तो सबसे पहले डिस्प्ले दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। प्रोसेसर मिलता है सैमसंग का Zynos 9। इसके बाद इसमें आपको रैम मिलता है 8GB का, इंटरनल स्टोरेज मिलता है 128GB का और इसका एक्सटर्नल मेमोरी है अपटू 512GB। बात करें कैमरे की, तो इसमें आपको पीछे की तरफ 64+8+5+5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिससे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। और सामने की तरफ मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा। ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग One UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। इसके बाद इसमें आपको 6000mAh की बहुत ही पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 15W फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें आपको डुअल सिम, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बाकी और भी सेंसर्स मिलते हैं। और स्मार्टफोन का प्राइस है 19,499 रुपए। गाइस, 2 नंबर पर है न्यूली लॉन्च रियलमी 7, जो लॉन्च हुआ था 3 सितंबर 2020 को। और स्मार्टफोन में आपको एक अच्छे कैमरे के साथ एक पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसमें भी आपको रैम मिलता है 8GB का, इंटरनल स्टोरेज मिलता है 128GB का। इसके साथ साथ इसके एक्सटर्नल मेमोरी है अपटू 256GB। अब इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD 5 होल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको कोनी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हेलियो G95, जो दोस्तों काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और स्मार्टफोन पर ही पहली बार दिया गया है। अब कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको पीछे की तरफ 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और आपको सामने की तरफ मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा। और स्मार्टफोन में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। और इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है Realme UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q।
इसके बाद इसमें आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की काफी पावरफुल बैटरी, जिसमें आपको 30W फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बाकी और भी सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ड्यूअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसका प्राइस है 16,999 रुपये। दोस्तों एक नंबर पर है Redmi Note 9 Pro Max, और यह स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ था 11 मई 2020 को, और इसमें भी आपको 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसके साथ साथ इसके एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 512GB। बात करें इसके दूसरे फीचर्स की तो इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 5 होल डिजाइन के साथ। इसके साथ साथ इसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q, और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। कैमरा में इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और सामने की तरफ मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल फोन कैमरा। और इस स्मार्टफोन में भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो भी 30 FPS पर। इसमें बैटरी मिलता है 5020 mAh का, जिसमें आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको 33W फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बाकी सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ड्यूअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 जैसे बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसका प्राइस है 19,999 रुपये।